बड़ा ये फील लीजिए, आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हो बड़ा। लास्ट क्लास में आपने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में देखा था, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। अगर बात करें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, तो एक चाय का कप जो है रखा हुआ है, मस्त रखे रहने दो, उसके अंदर जो चाय है उसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, हॉट होगी लाइक मी, ठीक है। बस फैल, मैं फैलता थोड़ा ना, गर्म होगा इसमें बेटा, बहुत गर्म होगी चाय। अब चाय तो गर्म है तो रहने दो, उसे ठंडी जगह रख दिया, फिर लेना गर्म चीज को ठंडी जगह रख दिया, तो डिफरेंस ज्यादा होगा, तो हीट एक्सचेंज होगा, क्या होगा, यानी हीट एक्सचेंज होगा हायर से लोअर। और वो हीट एक्सचेंज जब तक चलता रहेगा जब तक कि टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, क्या ना हो जाए, इक्वल। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हायर से लोअर होता है, ना कि लोअर से हायर होता है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जो कि तुमने पहले पढ़ रखा है। हाँ तो बोलो भाई। बेटा पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात ये, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कितना टाइम लेगा, रेट कितनी लेगा, उसके बारे में भी जिक्र करा था, टाइम के बारे में। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जरा मेरे को बताओ क्या था बेटा। उनका था डी बाई टी स्मॉल टी इज इक्वल टू में के टी माइनस में टी नॉट। बड़ा है कि क्वांटिटी होती क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पढ़ा रखा है, लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था। बड़ा ये होती है रेट, क्या होती है रेट, यानी टाइम की बात हो रही है, रेट। बड़ा के कॉन्स्टेंट, जो कि हर बार अलग अलग होगा, फिक्स नहीं होता। बड़ा ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम का टी नोट क्या है, आसपास सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाया होगा। बड़े एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये एवरेज है, क्योंकि अगर किसी कप के अंदर लगातार टेम्परेचर मान लो 100, मान लेते 100 है, लगातार वो नीचे जा रहे, लगातार वो अगर ठंडी जगह रखा है, तो आप नहीं बोल सकते ना टाइम के साथ में लगातार टेम्परेचर कम हो रहा है। तो अगर बोला कि 100 है, 10 मिनट बाद 80 हो गया, तो अगले 10 मिनट बाद और कम हो जाएगा। तो एवरेज की बात करेंगे, किसकी करेंगे, तो टी वहां पे एवरेज होगा। तो ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसमें न्यूमेरिकल भी कराया होगा एक, तो आज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे कुछ न्यूमेरिकल और भी करेंगे, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरा एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको डिवाइस शायद आपने कभी देखा भी होगा, लैब में गए हो, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसमें थर्मोमीटर लगा होता है, कैलोरीमेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री। हाँ तो बोलो भाई। बेटा डिवाइस करता क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द सिस्टम। हीट जो एक्सचेंज हो रही है गर्म की वजह से ठंडी की तरफ, उसे मेजरमेंट करते हैं, कैलोरी मीन्स क्या होता है, हीट क्या है, हीट। मैट्री मतलब मीटर की बात हो रही है, हीट को मेजर करने वाला डिवाइस कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री बोलते हैं, लोग कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं, अपना अपना तरीका होता है, जैसे बोलना चाहो वैसे बोल लो। तो ऐसे पढ़ेंगे, इसके बारे में तुम्हारे सिलेबस में बोला है, सिर्फ प्रिंसिपल बता दो, स्टेटमेंट बता दो, खत्म कर दो टॉपिक, आपके सिलेबस बोलता है। पर हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी देखेंगे, ताकि आगे की जाए कभी न्यूमेरिकल लगा सको भाई। आपके सिलेबस से सिर्फ इतना कहा है कि इसकी डेफिनेशन और इसका प्रिंसिपल बता दो। बहरहाल इसका प्रिंसिपल कहता क्या है, मान लीजिए एक बॉडी है जो कि बहुत गर्म है और आस पास क्या है, ठंडा है, तो गर्म से ठंडे की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट बॉडी, लॉस तो हॉट करेगा ना, गेन कौन करेगा, कोल्ड बॉडी। यानी हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू में हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। अरे जितना ये लॉस करेगा उतना ही वो इक्वल करेगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई जितनी हीट लॉस होगी उतनी ही तो गेन होगी, या फिर ऐसा यहां से थोड़ी लॉस करी वहां पे ज्यादा गेन हो गया, ऐसे थोड़ा होता है यार, जितना लॉस उतना ही गेन, यही प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का। तो बस प्रिंसिपल और स्टेटमेंट, टॉपिक खत्म, ये बोलता है आपका 11th क्लास का सिलेबस, पर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अच्छा स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट की बात करें, इसे पढ़ लिया, मोलर स्पेसिफिक हीट भी पढ़ लिया आपने, है ना भैया, टेम्परेचर पढ़ लिया आपने, एक्सपेंशन पढ़ लिया, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, अल्फा पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया, गामा पढ़ लिया, रिलेशन भी देख लिए। तो आज के क्लास में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे कुछ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आप लास्ट क्लास में देख चुके, पर आरआल बहरहाल आज थोड़ा ज्यादा देखेंगे और कैलोरीमेट्री करेंगे और इसको खत्म कर देंगे आज। हाँ तो बोलो भाई। तो बड़ा आज पहला न्यूमेरिकल देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, करें स्टार्ट। बड़ा देखिए न्यूमेरिकल ये, मान लीजिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे, बड़ा एक चाय का कप ले लो या चीनी किसी का भी कप ले लो, तुम्हारी मर्जी है। इसके अंदर है क्या, चाय क्या है, बड़ा चाय है तो गर्म होगी, ठंडी भी तो हो सकती है, मान लो गर्म है, मान लो, बोले मान ली बहुत बढ़िया, चाय भी तो मानी है। बड़ा इसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, अगर टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है
तो टाइम के साथ में लगातार कम होगा, पर कम जब ही होगा जब बाहर का टेम्परेचर कम होगा। तो मान लो इसके अंदर का इतना सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री लेते, कितना लेते 30 डिग्री सेल्सियस, कम है या नहीं है? कम है या नहीं? डिफरेंस है, डिफरेंस है तो हीट का एक्सचेंज तो जरूर होगा। हायर से लोअर या लोअर से हायर? हायर से लोअर, क्लियर उसमें? तो यानी अंदर 75 है, अंदर 70। पर मान लीजिए 10 मिनट बाद की बात नहीं करते, 2 मिनट बाद की बात करते हैं। 2 मिनट बाद बताओ टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा? कम, 65 पहुंच जाता है। कोई दिक्कत किसी को? 75 से 65 हुआ, रुक जाएगा? ना ना ना, अभी और हो रहा होगा, क्योंकि बाहर 30 है ना। पर बहरहाल हम उससे लेने देने नहीं है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के हिसाब से चल रहा है। 75 से 65 हुआ 2 मिनट में, बाहर का 30 है, कब वही है कब दूसरा नहीं है, उसी कब की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, 65 आ चुका है तो धीरे धीरे और भी नीचे आया होगा, कभी 55 भी पहुंचा होगा। तो एक बी पार्ट बना के उसी कप में आगे बढ़ते हुए बोल रहे हैं, कहानी वही है, धीरे नीचे आ रहे हैं। तो 55 टेम्परेचर यहां लिख रखा है, 245 आने में कुछ टाइम लेगा, तो वो टाइम कितना लगेगा निकालना है, कब हुआ ये? अब क्योंकि 65 था यहां पर, 55 कैसे लिख लिया? अरे बीच में नीचे आया होगा, पर वो हमें दिखाया नहीं क्वेश्चन में, लेने देना नहीं है। क्वेश्चन का 55 से पकड़ो और 45 तक ले जाओ, टाइम कितना लगा ये बताओ, समझ रहे हो? तो इसके अंदर चाय, इसके अंदर क्या है? तो कह रहा है यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल एज इट इज, लास्ट क्लास में कराया था, एज इट इज सेम आंसर आएगा 4 मिनट। कितना आएगा? 4 मिनट। कैसे आएगा? फील ले लो जल्दी से बड़े, यहां पे क्या है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, दो स्टेप में करेंगे कंप्लीट। तो पहला स्टेप क्या कहता है बताइए हमें जरा बेटा, ये रहा पहला स्टेप में, बताओ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोल बेटा, डी टी बाई डी स्मॉल टी इज इक्वल टू में के टी माइनस में टी नॉट, इतना आ गया बड़ा। चेंज इन टेम्परेचर 75 से 65, तो 75 माइनस में 65 डिवाइड बाय टाइम, पहले जीरो रहा होगा, बढ़ते बढ़ते दो आया होगा, जीरो से दो, तो भैया तभी हुआ ना 75 से 65, तो दो बढ़ा है जीरो बढ़ा, तो दो माइनस जीरो देन यू ऐड द दो, तो नीचे सीधे दो लिख दे क्या? बहरहाल चेंज ही होता है ये, पर दो माइनस जीरो होता है इज इक्वल टू के, नहीं पता के लिख दिया। व्हाट इज टी? सिस्टम का टेम्परेचर, पर सिस्टम में तो दो दो है, तो दोनों का एवरेज आएगा, तो 75 प्लस 65 डिवाइड बाय कितना आएगा? 7, बहुत बढ़िया 70 आएगा। कितना आएगा? ये इंग्लिश हिंदी कंबाइन ना करो, और 70 आएगा, सीधे सीधे बोल दिया और बात करो, 70 80 60, अबे हिंदुस्तानी हम लोग, 70 कितना आएगा? 70 मान लिया जी, मान लिया। अच्छा इसका भी निकाल ही लो लोग, यहाँ बाद में जरूरत पड़ेगी, बोलो 50। अरे मैं बता रहा हूँ तुम हीरो है, 50 आएगा। कितना आएगा? 50। अच्छा ये आसपास का एटमोसफेयर का टी नॉट ही तो है, रखो भाई बड़ा, टी जो आया पहले वाले केस में कितना आया? 70। टी नॉट कितना है? 30। अरे 30 दबड़ वक के कितना आएगा? 40, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 10 डिवाइड बाई 2 देन यू गेट द कितना? 5 इज इक्वल टू के, कितना है यहाँ पे? 40। नीचे आएगा 1/8 आ जाएगा, आ गया हुआ के की वैल्यू आ गई, मस्त मस्त आई है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है, इस वाले को देखो, न्यूट्रल ऑफ कूलिंग लगाओ, डी टी बाई डी स्मॉल टी इज इक्वल टू के टी माइनस में टी नॉट, चेंज इन टेम्परेचर 45 से गलत 55 से 45 तो 55 से चेंज इन टाइम, तो हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि 55 से 45 आने में कुछ तो समय लिया होगा। कुछ समय कितना? टी मान लेते, तो लेट मान लो यहां से यहां आने में लेट टाइम जो लिया वो कितना लिया? टी लिया। ठीक है, तो यहां से यहां आने में टाइम इतना लिया, पहले जीरो रहा होगा, फिर बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 से टी पहुंचा होगा, तो टी बढ़ा है जीरो बढ़ा, टी बढ़ा, तो टी माइनस जीरो टी आएगा, तो कितना आएगा? टी आएगा, आया नहीं आया बड़ा इज इक्वल टू के। बताओ अंदर का टेम्परेचर का सिस्टम का कितना एवरेज? 50। बाहर का कितना? 30। बोल बेटा 55 माइनस 45 देन यू गेट क्या? कितना आएगा? डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के, और यहाँ कितना आएगा? 20 बेटा, जीरो से जीरो दो नीचे, हमें निकालना क्या है? टी निकालना है ना, तो दो नीचे के नीचे टी ऊपर, तो 1/2 के और इज इक्वल टू टी, के कितना है? ये रहा, दिख रहा है? तो डालो बेटा 2 तो है, के की वैल्यू 1/8 है, 8 कहाँ आएगा? ऊपर, ऊपर ले आओ, तो 8 / 2 देन यू गेट द 4। हमने तो पहले कहा था 4, मेरी बात मानी नहीं तुमने, मिनट आ गया, आ जाना। ये क्वेश्चन तो सेम कराया पहले ही, पर बहरहाल बढ़कर देखेंगे इससे कुछ आगे क्वेश्चन चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसके बाद में थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन लॉ खोलें, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दूसरा, लपेटो इस हलवा जी।
एक न्यूमेरिकल हो गया 75 से अगर 65 आएंगे तो टाइम लेंगे 2 मिनट। उसी प्रोसीजर में आगे चलते हुए यहां पे आए 55 से 45 आने में कितना टाइम लगा, 4 मिनट दिखाया। पर मान लो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, फिर लीजिए अगर क्वेश्चन कप में ही रहेगा ठीक है, फिर लो पर मान लीजिए कि दो कप दे दिए, कितने कप दे दिए, दो कप दे दिए और टेम्परेचर की बात करते हैं, आप बताइएगा सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है। बहरहाल ये सेकेंड न्यूमेरिकल जो करोगे ये न्यूमेरिकल आपका आगे के लेवल में भी आ रखा है। तो न्यूमेरिकल क्या है, फील न्यूटन ऑफ कूलिंग पे ही है। बड़ा डब्बा बनाया, क्या बनाया बता, डब्बे में क्या है, चाय, क्या है बता, चाय। 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 60 से 50 आने में कुछ तो समय लेगी, 10 मिनट, कितना लिया है, ये दे रखा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। बेटा इसके आगे कह रहा है आसपास का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कितना है 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। बड़ा कप वही है, दूसरा कप नहीं है, तो कप के अंदर चाय भी वही होगी दूसरी नहीं होगी, फील यू। अब यहां पे कह रहे हैं इसके बाद 10 मिनट बीते होंगे, भैया पहले आया 60 से 50, 60 से 50 आने में कितना टाइम लिया, 10। तो ये लगातार नीचे जाएगा नहीं, और नीचे आएगा। बड़ा अगले 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में सिस्टम के अंदर चाय तो होगी, उसका टेम्परेचर कितना होगा पता लगाने, समझ आया क्वेश्चन। 60 से 50 आने में 10 मिनट लिए, अगले 10 मिनट में सिस्टम के अंदर चाय है उसका टेम्परेचर क्या है, आगे इसे ही करना है। बड़ा फील है, दो स्टेप है, कितने स्टेप है, दो। पहला स्टेप इसकी बात करेंगे, बोल बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, बोल बेटा क्या कहती है, डी टी बाई डी स्मॉल टी इज इक्वल टू के टी माइनस में टी नॉट, बोला है नहीं। बड़ा टी एवरेज होता है, क्या होता है, मैंने ही पढ़ाया है, इन दोनों का एवरेज निकालो। अरे लौंडे तेरी मैथ तो अच्छी है, 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, देन यू इज 55 है ना, बोल भाई। बड़ा बात ये बाहर का कितना है, टी नॉट कितना है, टी नॉट। बड़ा चेंज इन टेम्परेचर 60 से 50, तो यहां आएगा 60 बड़ा 50 छोटा, हाँ तो बोलो यार, yes, कितना टाइम लिया भाई, पहले जीरो रहा होगा, बढ़ते बढ़ते 10 मिनट में इतना है, तो ये है टाइम 10, 0 माइनस 10 या 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 देन यू गेट द टाइम, हाँ तो बोलो यार। इसके आगे के, के कितना हमें नहीं पता, हर बार अलग अलग होता है। वहां पे जो टी है वो क्या है, वो टी एवरेज है, ये सिस्टम का होता है, सिस्टम में तो दो दो टेम्परेचर देखे, 10 मिनट में दो टेम्परेचर, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो कौन सा ले नहीं पता भाई, तो कौन सा ले नहीं पता, तो इनका एवरेज कितना है, 55 कितना आएगा, 55 कितना आएगा, 55 माइनस में टी नॉट 25 आगे आएगा। बड़ा फील है, 55 माइनस 25 देन यू गेट द क्या, 30, दिस माइनस देन देन यू गेट द 10, 10 बाय 10 इज इक्वल टू के 30, 0 से 0 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू के डिवाइड बाय 30, अरे आ गया, यानी 1 बाय 30 आ गया। की ये हो गया पहला स्टेप, याद रखिएगा ये जो है ये T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 होता है, हाँ तो बोलो भाई, सिस्टम। बड़ा फील है सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में यहां पे अब फील लीजिए, बड़ा सेकंड स्टेप में हमें पता ही नहीं करना क्या करें, तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, बोलो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, क्या बात है, तुम पता था, बोल बेटा क्या होती है, डी टी बाई डी स्मॉल टी इज इक्वल टू के टी माइनस में टी नॉट, डालो तो पता है, टी नॉट पता है, बिल्कुल पता है, टाइम पता है 10 मिनट। तो रियल में क्या है, जब ये 60 से 50 हुआ तो रुक थोड़ा जाएगा भाई, और नीचे जाएगा, तो कहते हैं 60 से 50 होने के बाद में 10 मिनट लिए, अगले 10 मिनट में तो 50 से केस स्टार्ट होगा, यहां पे किससे स्टार्ट हो रहा है, 50 से, तो 50 से नीचे आ रहे, अगले 10 मिनट में यहां से 10 मिनट बीतने के बाद में यहां पे जो चाय होगी नहीं होगी भाई, 10 मिनट बीतेंगे 60 से 50, 10 मिनट बीत गए, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है अगला 10 मिनट, तो 50 से स्टार्ट हो रहा है ना, 50 से 10 मिनट बीतेंगे तो चाय तो होगी, टेम्परेचर भी होगा, वही तो निकालना कितना होगा, हमें नहीं पता, तो लेट कितना मान लेते, टी मान लेते, क्या मान लेते, टी, यानी यहां से यहां पर 10 मिनट बाद टेम्परेचर कुछ तो होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। अच्छा ये आया कैसे, इससे पहले क्या होगा, चाय तो है, अगर इससे पहले का केस देखें, बता पहले क्या था, 60 था, कितना था, 60 से 50 आने में कितना टाइम लिया, 10 मिनट, हाँ तो बोल दो भाई, 10 मिनट लगे थे, तो 50 से
दस मिनट बाद कुछ टेम्परेचर तो होगा, वो निकालना है भाई। चेंज इन टेम्परेचर सेकंड केस में कितना है? सेकंड केस ये 50 टी, बड़ा कौन सा? ये भाई बड़ा 50 है, लगातार कम हो रहा है। 50 माइनस टी, 50 माइनस टाइम कितना लिया 50 से टी होने पे? 10 मिनट, 10 मिनट आगे इज इक्वल टू के, के कितना है बड़े यहां से डाल 1/30 बड़ा। टी जो है सिस्टम का है, सिस्टम में तो दो दो है सेकंड केस में, 50 भी है टी भी है, तो 10 मिनट में यहां से यहां है, कौन सा लें? ये लें, ये लें, दोनों है, तो दोनों का एवरेज निकालो भाई। 50 प्लस टी डिवाइड बाय 2, ये टी अलग है वो टी अलग है, याद रखना ऐसे। बोलो डालो यहां पे क्या मिलेगा, 50 प्लस टी डिवाइड बाय 2 और माइनस में कितना है? ये टी नॉट है क्या? टी नॉट। बोलो भाई टी नॉट कितना है? 25। इसको सॉल्व करना है, हां तो बोलो भाई, आओ करते हैं बेटा, क्या आएगा बोल, इजी आराम से करियो। 50 माइनस टी डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू दिस, पहले एलसीएम ले लो, बोल क्या आएगा? 50 माइनस टी डिवाइड बाय 10 है क्या? 10 है बड़ा, इज इक्वल टू 1/30। बोल लाला एलसीएम ले कितना आएगा? 2। बोल बेटा 50 प्लस टी, 50 प्लस टी माइनस में 50, 50 से 50 क्या बचा? टी बाय 60, टी बाय 50 माइनस टी डिवाइड बाय 10, 0 से 0 6 इधर मल्टीप्लाई, तो 650 माइनस में टी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई कर 300 माइनस में 6 टी इज इक्वल टू टी उधर ले जा 300 इज इक्वल टू 70 80 नीचे लिया 300 बाय 7 इज इक्वल टू, अब ये आ गया 10 मिनट बाद का टेम्परेचर। हाँ तो बोल भाई, यानी सिस्टम का टेम्परेचर 50 पहले था, 10 मिनट बाद जो होगा वो यही होगा। अब आया नहीं आया तुम्हें? लपेटो घसीटो उठाओ पटको, याद रखिएगा ये सिस्टम का टेम्परेचर होता है, किसका होता है? और ये सराउंडिंग का, और ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है? सिस्टम का टेम्परेचर बार बार याद रखना, लपेटो इसे बड़े छोड़ू बड़े, एक न्यूमेरिकल ये कराए इसे क्या घर पे करोगे नहीं करोगे? एक घर पे करके आना फिर लो। बड़ा फिर एक और न्यूमेरिकल करोगे? बड़ा फील नहीं हो पाएगा न्यूमेरिकल नंबर तीसरा? बातें कर लो बड़े, एक लड़की की मुंडी दिख रही मेरे को नीचे झुका हुआ, पुष्पा पुष्पा की तरह बिल्लो भाई, बहरहाल वो तो झुका भी नहीं था, झुक रहा है बड़े। इसमें क्या है? दूध, और जो लड़का झुका है झुक के दूध पी ले, पी लो। हाँ हॉट गरम दूध, दूध बड़ा इसमें दूध भरा हुआ है पुष्पा के लिए, दूध है तो अबे पुष्पा का दूध नहीं है, पुष्पा के लिए पुष्पा का दूध, मैं मजाक चल रहा है, पुष्पा का दूध नहीं है, पुष्पा के लिए। हाँ क्रिया उपभेद भेद बड़ा डिफरेंस होता है बिल्कुल, तो दूध उसके लिए। अब पुष्पा का अगर दूध हुआ, दूध में गर्मी भी होगी, दूध में गर्मी होगी, समझ रहे हो ना, गर्म इंसान ठंडा भी तो होता है, पर यहां पे तो दूध गर्म है। बहरहाल तेरे को झुकने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम दोनों को झुकने में इतना इंटरेस्ट क्यों है मीना? मतलब मीना तेरे को बोलेगा दूध पीने के लिए झुक जा तो तू झुक जाएगा? बहरहाल मजाक नहीं, दूध की बात खत्म, चाय आ रही है पर बनती तो दूध से ही है। हाँ पुष्पा की चाय, देखो पुष्पा में भी यही होता है, दूध का टैंकर लेके जाता है वो, ये ले रहा हाँ बेटा, बताने की जरूरत नहीं है, दो परत होती है, नीचे चंदन होता है, ऊपर दूध होता है, मिठाई देता है, पुलिस वाले को देता है, बताने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं नहीं हमें पता, डायरेक्टर मेरे पास आता, बताया तो था मैंने, फिर ले बेटा आगे आगे आगे, पुष्पा का दूध खत्म, अब दूध नहीं है उसके पास,
जितना था झुके हुए इंसान ने पी लिया। टेम्परेचर, आप दूध नहीं टेम्परेचर है, दूध भी पी लेगा उसे गुस्सा तो आएगी ना। अब टेम्परेचर देखो, दूध का टेम्परेचर बताओ कितना लूं, बोलो क्या बात है तुम्हें यार, बताओ कितना लूं ना भैया, तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी। 70 से 50, 70 से 50 आने में कुछ टाइम भी लिया होगा, बताओ कितना टाइम, 5 मिनट ले लेते, ठीक है 5 मिनट, कितना, बहुत तेज हुआ है प्रोसेस। बाहर का टेम्परेचर बोलो कितना ले, 30 ले लेते, कितना ले लेते। अब भैया कह रहे हैं कि 70 से 50 हुआ 5 मिनट में, अगले 10 मिनट में, अगले कप का चाय वही है और दूध का कप भी वही है और दूध भी उसके अंदर है, 50 से कम हो रहा होगा लगातार, तो 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, टी मान लेते नहीं पता क्या होगा, ये निकालना है। तो केस तो वही है, 50 से यहां पर खत्म हुआ तो वहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि आफ्टर लिखा आफ्टर 10 मिनट, उसके बाद 10 मिनट की बात हुई है तुरंत ही। बहुत बढ़िया, कब बना दो लंबा, दूध 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 दूध, 70 50, 50 से कुछ टेम्परेचर तो हुआ होगा हमें नहीं पता। अच्छा 70 से 50 मिनट में टाइम कितना लगा, तो आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 50 से लगातार नीचे आ रहे, कुछ तो दूध होगा, उतना ही होगा जितना पहले था, उसका टेम्परेचर भी होगा। वो टेम्परेचर निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बिल्कुल सेम है जैसा अभी निकाला था वो निकाल के आओगे, ठीक है। ये पहला एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, एक काम करो एक आप ट्राई करके देखो, फील लो। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े क्या ऊपर एक बेटा, ये क्या है कप, क्या है दूध का कप, किसका है, अगर तुमने पेन चलाया तो कसम उस पेन की तुम वो कहलाओगे, दूध वाले, ठीक है। दूध का कप क्या है, अंदर क्या है, क्या बात है, दूध से फील आ रहा है, मिल्क। अगर दूध की बात करें, टेम्परेचर भी हुआ, दूध तो भैंस का कभी दूध देखा है, गर्म होता है, गाय का भी होता ही है, बहुत बढ़िया। तू इतना क्यों खुश हो रहा बेटा, दूध नहीं पीता, हाँ और गर्म ही दूध पीते, ठंडा क्यों नहीं पीते, हमने भी पिया है, बहुत बढ़िया, तू भी मेरे जैसा है, फिर ले ऊपर देख, बड़े आगे बेटा दूध है, क्या है दूध, इसके अंदर दूध है तो कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर मानते 90 डिग्री सेल्सियस, कितना मानते, कम होते होते 89 हो रहा, कितना हो रहा है 89, एक ही डिग्री सेल्सियस कम हुआ, कुछ टाइम लिया होगा, बोलो कितना मानते हैं, T1, हमें नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, इसे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, पर बाहर का 30 डिग्री सेल्सियस कितना है, हमें पता है, तुम्हें भी पता है, इसको भी पता है, सबको पता है 30 है, कितना है, बहरहाल कम होता 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 नीचे कम हुआ हुआ, और मान ले 60 पहुंच गया, कितना पहुंच गया, कभी तो पहुंचेगा, 60 पहुंच गया और 60 के बाद में और कम हो रहा है, 59.5 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा, हुआ होगा कम तो ऐसे होगा, तो जब 60 से 59.5 हुआ तो कुछ टाइम तो लिया होगा, मान ले वो टाइम T2 है, कितना है हमें नहीं पता कितना है, तो T1 और T2 निकालना है, क्योंकि ये क्या है, दे तो रखा है, टाइम T1 हुआ, टाइम T2 हुआ, तो क्या पता वैल्यू क्या है, तो T1 एंड T2 निकालना है, पहला आंसर ले दूं, दोनों इक्वल होंगे, पता लगा, T1 निकालना है एंड T2 निकालना है, निकाल के दिखाओ मेरे को, अभी निकाल के दिखाओ, अभी निकालो भाई, बड़ा सुनो करने के, सुनो न्यूट्रल ऑफ कूलिंग लगाओ, एवरेज बताएं, सराउंडिंग बताएं, टाइम बताएं, T1 है, हाँ तो बोलो, यहां से के निकालो, क्या निकालो, यहां से भी दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहे, सिंपल हलवा। बड़े ये करो के घर से और ये कराता हूं मैं, बड़े आगे, बड़ा फील लीजिए, इजी है, सच में इजी है, फेल लो। क्वेश्चन नंबर 5,
कहे चौथा कहाँ गया, होमवर्क था ना, कहे वो तो तीसरा था, राइट, एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है बड़े आगे। फिर लो आप ध्यान से देखें, बड़ा पांचवा ये कि कप है, क्या है कप के अंदर, चाय, टेम्परेचर 90, कितना आता है 89, टाइम बोलो T1 लेते हैं, बाहर का कितना है 30, यहां कितना है, कम होते 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 कभी तो हुआ होगा क्या 60, 60 से 59.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, टाइम लेता है T2, कितना लेता है T2, फिर ले कहता है T1 और T2 निकालो, बड़ा इजी है बड़ा, एक बार इसमें लगा दो न्यूटन ऑफ कूलिंग, एक बार इसमें लगा दो, करते भाई बड़ा लगाओ, पहले फर्स्ट स्टेप बोल बेटा, न्यूटन ऑफ कूलिंग क्या बोलती है, dT/dt इज इक्वल टू kT − T0, बड़ा ये सिस्टम का है, चेंज इन टेम्परेचर 90 − 89 बन आएगा, बहुत ही खत्म, टाइम T1, क्या नहीं पता सिस्टम का एवरेज 90 + 89 divide by 2 कितना आएगा, अरे आएगा कितना 89.5, कितना है 89. आ गया, आएगा चेक कर लेना आप लोग कितना आ रहे हैं, T0 कितना है 30, हाँ तो बोलो बड़ा माइनस कर रहा हूँ 59.5 बड़े क्या 1/T1 बड़े, काम करो इसको नीचे ले आओ, क्या निकाल लो, क्या निकाल लो बोलो बड़ा 59.5 T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, कोई दिक्कत किसी को, बड़ा सेकंड से भी सेम करेंगे, बड़ा सेकंड स्टेप ऊपर, एक आवाज नहीं आनी चाहिए, सेकंड स्टेप क्या है लगा बेटा इसमें, dT/dt इज इक्वल टू kT − T0 बता चेंज इन टेम्परेचर, यहां से यहां आया तो 60 − 59.5 डिवाइड बाय टाइम कितना लिया T2 आ गया, बड़ा इज इक्वल टू के और यहाँ क्या गया T, सिस्टम का होगा सिस्टम यानी इनको मैं एवरेज, इसे 60 मान लेते, कितना मान लेते तो 60 + 60 डिवाइड बाय 2, अरे आया भैया दैट इज इक्वल टू कितना 60, अरे आया भैया 120 / 2 आ गया, यहाँ फिर लो ये सिस्टम का है 60 आया, कितना आया, बहरहाल तुम्हें बताया मैंने 59.5 था माना 60, अभी फिर लेते ना माइनस भी करूंगा, अभी 60 आगे कितना गया, ये कितना है 30, कितना आएगा 30, पर यहां पे ज्यादा लिया था ना उतना ही माइनस कर दो तो 29.75 फिर लेता रही हो, बड़े माइनस किया कितना आया 0.5 डिवाइड में कितना है T2, बड़े के निकाल 0.5 T2 और ये नीचे आएगा 29.75 बोल बेटा इज इक्वल टू कितना आएगा Okay. एक और क्या आ गया, दोनों को इक्वेट करोगे, आओ इक्वेट करते बेटा, फिर लेना बड़ा ये 1, ये कितना है 2, बड़ा इक्वेट करो बोलो बेटा क्या कितना है यहाँ पे 1/59.5 और T1 है, बोला ना भाई बड़ा ये बोल 0.5 डिवाइड में कितना है T2 और कितना है 29.75 आया नहीं आया पॉइंट, एक काम कर यहां से पॉइंट डा कितना आएगा 100, एक के तो करना ही क्यों फालतू में, इसको सीधा मल्टीप्लाई करते पॉइंट डा, इधर मल्टीप्लाई करते आएगा भैया बोल 29.75 डिवाइड में क्या है 59.5 इधर कितना है T2 इधर आया 0.5 नीचे लिया, अरे आया भैया T1/T2 इसको सॉल्व करो 1 आएगा, ओके कैसी बात कर रहे हो, फील मैं हूं ना यहां पे पॉइंट डा 10 आया 5 × 5 5 × 10 2 पर जाएगा तो 29.75 × 2 डिवाइड में 59.5 इज इक्वल टू T1/T2 इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा 59.5 डिवाइड में 59.5 इज इक्वल टू T1/T2 कैंसिल हो गए 1 T1/T1 इज इक्वल टू आया नहीं आया, बेसिक बुनियादी बातें थी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी पर स्टिल क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और थोड़ा पॉइंट वॉइंट तो खुद देख लो यार, फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है वो घर पर आकर आराम से तसल्ली से करना, मेन है क्वेश्चन हो गया मेथड आ गया, कैलकुलेशन तो बात की बात है, मेथड आ गया एंजॉय करो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे नहीं, अब एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैलरीमेट्री, क्या करेंगे अभी बवाल क्या है,
सवाल है बवाल है, इसकी फोटो लो चाहे स्क्रीनशॉट लो, कुछ तो ले डालो बड़ा। इसके बाद बड़ा एक टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक का नाम होता है कैलरीमेट्री। क्या होता है? अब ये कैलरीमेट्री भी बोलते हैं, कैलरीमेट्री भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है मैट्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तेरी मैट्री, उसकी मैट्री, दोनों की मैट्री, मैट्री मैट्री कुछ तो होना चाहिए। मैट्री ले ले, मैट्री ले ले, मैट्री ले ले, चैटरी मैट्री कुछ तो रहा, किटिक पैट्री। इंपॉर्टेंट बॉडी है कैलरीमेट्री। क्या है? कैलरीमेट्री बोल, कैलोरीमेट्री बोल। कैलोरीमेट्री ज्यादा अच्छा लगता सुनने में, मस्त। हाँ तो बोलो यार। बड़ा टॉपिक का नाम है कैलोरीमेट्री। क्या है? बड़ा इसे पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री होता है क्या है, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, लैब में कैसा दिखता है, प्रिंसिपल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। हाँ तो बोल दो, झूठ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो, जल्दी जल्दी बोल दो। फिर भाई बड़ा टॉपिक का नाम क्या? कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री लिख लो। कि पूछा मेट्रिक लिखा, एम टी आर वाई तो लिखना आता होगा। बवाल क्या है? बड़ा लैब में जब जाओगे ड्रम मिलेगा। क्या मिलेगा? ड्रम, थर्मामीटर, कैलोरीमेट्री। हाँ ना बोलो। बड़ा हीट का एक्सचेंज जब होगा उसको बतलाएगा ये कितना हुआ, थर्मामीटर नोट करेगा कितना हो रहा है। हाँ ना भाई। बड़ा मान ले एक बॉडी है, दिख रही है बहुत गर्म है। क्या है? बहुत गर्म। क्या है? बहुत गर्म नहीं, बहुत गर्म। अब हॉट गर्म नहीं, बहुत गर्म। बहुत गर्म एक बॉडी है, आसपास पानी, आसपास ये गर्म है 40 डिग्री सेल्सियस, कितना आसपास पानी 30 मान लेते हैं। बता हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हायर से, यानी इससे बाहर होता रहेगा कब तक? जब तक कि दोनों जगह का टेम्परेचर ना हो जाए इक्वल, जब तक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, यानी हीट एक्सचेंज होती रहेगी बॉडी और सिस्टम में, बॉडी और जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, जब तक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। हाँ तो बोल दो यार, तुम्हें नहीं आया। बड़ा हीट जो एक्सचेंज हो रही है, हाँ ना भैया। अब हीट एक्सचेंज होगी, मान लो ये 40 है, ये 30 है, तो इधर से इधर जाएगी, तो हीट लॉस तो ये करेगा, गेन कौन करेगा? कम वाला। तो हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू मे हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, साइड में पानी है, समझ रहे हो? उतना ही तो गेन करेगा जितना ये लॉस करेगा, यानी जितना इसने हीट को लॉस करा उतना ही उसने गेन करा। तो बताओ, उसने गेन करा साइड वाले पानी ने, इसने लॉस करा, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। कितना बड़ा? थर्मोमीटर पता लगा लेगा। अरे हाँ ना भैया, लाजमी से बात है, अगर आपको एक ड्रम दे दिया ऐसे करके, पानी भर दिया, बंद कर दिया, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया ऐसे करके, अरे हाँ ना भैया, अंदर एक बॉडी है 40 डिग्री सेल्सियस की डाल दी, टेम्परेचर ज़्यादा, पानी 30, हाइयर से बढ़ता रहेगा अनटिल और अनलेस, जब तक बढ़ेगा जब तक ये दोनों का, तो इसने तो गेन करा ना, इसने लॉस, इसने गेन, इस तरीके का लैब में डिवाइस देखने को मिलेगा अगर कभी लैब जाओगे तो। बहरहाल अभी आपके सिलेबस में क्या बोला गया है कि ये होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बस दो बातें बोली है, पर हम एक्सप्रेशन देख लेंगे थोड़ा सा, जरूरी है कभी न्यूमेरिकल करने पड़े तो बढ़े आगे क्या। तो पहली बात तो ये होता क्या है, बड़ा डिवाइस होता है, बहरहाल बात ईजी है। बड़ा इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज, ऑफ हीट एक्सचेंज, ये हीट का एक्सचेंज बॉडी और सिस्टम हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड सिस्टम, बॉडी एंड सिस्टम, उसे कहते क्या है? इट्स कॉल्ड फलन ठिकाना तमगाना, कैलोरीमेट्री। हाँ ना भैया, पहली बात। दूसरी प्रिंसिपल, बेटा बहरहाल दो तरीके से लिख सकते हो इसका प्रिंसिपल, ऐसे बोल सकते हो हॉट बॉडी जितना हीट को लॉस करेगी कोल्ड बॉडी उतना ही गेन करेगी, उतना ही। तो हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, यानी हीट जो है, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी बड़ा इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हाँ तो बोल भाई। अरे जितना वो लॉस करेगी उतना ही वो गेन करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही है प्रिंसिपल। पर बहरहाल इसे थोड़ा बड़ा करके लिखवाएंगे। हाँ तो बोलो। बट व्हेन टू डिफरेंट बॉडी ले लो अलग अलग, एक एरी एट द डिफरेंट टेम्परेचर, एक 40 तो एक 30,
आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, तो हीट पास होगी हायर से लोअर, यानी मेरे कहने का मतलब है हीट विल पास फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, यानी जो हायर टेम्परेचर में उससे लोअर टेम्परेचर में जाएगी, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अंटिल कब तक? जब तक कि दोनों बॉडी का क्या हो जाए, टेम्परेचर इक्वल, कॉमन डिफरेंस ना हो जाए, कॉमन टेम्परेचर ना हो जाए, अंटिल बोथ द बॉडी रीच द कॉमन टेम्परेचर, कॉमन तक ना पहुंच जाए, जब तक होता रहेगा। यही प्रिंसिपल है किसका? कैलोरीमेट्री का। इतना आपका सिलेबस बोल रहा है कराने के लिए, पर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो पहले ये हेडिंग डालो, उसके बारे में लिखो, अब बेसिक ऐसे लिख लो, फिर मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ ये होता क्या है। हाँ ना, बोलो यार, लपेटो इसे जल्दी। बड़ा फीलिंग जो पे गए बड़ा, ये प्रॉपर अगर प्रिंसिपल लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? जो भी बोला, क्या बोला था? कि व्हेन द टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, देन द हीट विल पास फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर अंटिल बोथ द बॉडी रीचेस अ कॉमन टेम्परेचर। तू तो लौंडा हीरो है, बहुत बढ़िया, मेरे ही शब्द मेरे को चेप रहा है। हाँ, तो मैंने क्या बोला बेटा? प्रिंसिपल लिखे, यहां पे लिख लो बेटा, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, आए ना भाई, कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, हाँ तो बोलो, देन हीट विल पास फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर अंटिल बोथ द बॉडी, बोथ द बॉडी रिच इज एट कॉमन टेम्परेचर। बड़ा जब तक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या है? इक्वल। यही प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का। हाँ ना, बोलो। आपके सिलेबस में सिर्फ यही दो चीजें बोली गई हैं, बता दी। बहरहाल इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े, मजे आएंगे। बैठो तो सर, चलो भाई। तो बड़ा इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। याद रखना, जितनी हीट लॉस उतनी हीट गेन, ये प्रिंसिपल है। बड़े के लैब में जाओगे ऐसे दिखेगा, मान लो एक कंटेनर दे दिया आपको, बड़ा फिल्म पानी भर दिया, क्या भर दिया? बड़ा ऐसी थोड़ा सा एक्सप्रेशन का केस देख रहे, थोड़ा सा बढ़ाते हुए ऐसी, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल तो लगा पाओगे, एक्सपेंड कर देते चीजों को। बड़ा इसके अंदर एक बॉडी लेता हूं यहां पे, बोलो बॉडी का नाम ए बोल दूं क्या? और इस पानी को बी बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं? बी। कोई दिक्कत किसी को? पानी बी बोल दिया, ये ए बोल दिया, ये सिस्टम हो गया और ये बॉडी होगी। बड़ा लेट इसका टेम्परेचर 40 मान लो, कितना मान लो? फील नहीं आएगा, 70 फील नहीं आएगा, 150। बड़ा लेट इसका टेम्परेचर 90। बहरहाल तुम्हें एक मजाक की वाली बात बताऊं, कुछ भी मान लो, बड़ा पी ले, टेम्परेचर 50 मान लो, क्या मान लो? फर्क तो ना पड़ता है भाई, 50 मान लिया, कितना मान लिया? पानी का कितना मान लो? फर्क छोड़ना पड़ता है, 40 मान लो, मान लो 40। बड़ा एक का 50, एक का 40, एक गरम एक ठंडा, तो गरम से ठंडे में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कब तक? जब तक दोनों इक्वल हो जाए। 30 मान ले से अच्छा लगेगा, बहुत पास हो जाएगा ना, 40-50 थोड़ा दूर मानते हैं। बड़ा फील है, इनिशियल टेम्परेचर इस बॉडी का 50, इनिशियल इसका 30, हीट का ट्रांसमिशन इसमें से इसमें जब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का इक्वल ना हो जाए। इस चीज को समझ पा रहे हो? यह हीट लॉस करेगा, हीट गेन करेगा, हीट एनर्जी लॉस बाय बॉडी ए, हीट गेन बाय द बॉडी बी। अब फील लेना बड़ा, यहां पे दो है, एक ए और एक बी है, दोनों को डिवाइड कर दो, ए ले लो और यहां ले लो बी। बड़ा अगर ए की बात करें तो ये जो बॉडी है इसका कुछ मास तो होगा, फील लेना, तो मास ठीक है, ए वाले का मानते हैं कुछ बोल, कितना एम ए मान लेते, कितना मान लेते? वन मान लेते, कितना मान लेते? वन, पहली वाली
कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बड़ा बता, ये जो है इसकी स्पेसिफिक हीट भी होगी कुछ, स्पेसिफिक हीट स्मॉल एस, याद है कुछ है ना भाई? बड़ा स्पेसिफिक हीट ए वाले की एस वन कितनी है? बड़ा बता इसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ तो है, इनिशियल शुरू में 50 कितना है? तो इनिशियल टेम्परेचर किसका? टी ए, इस वाले का टी वन मानते, कितना मानते जो कि कितना है इनिशियल टेम्परेचर? बताओ फाइनल टेम्परेचर की बात करें भाई, धीरे 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 कम हो रहा होगा भाई, 50 से अपनी एनर्जी इसको देगा तो टेम्परेचर कम तो होगा, तो हमें नहीं पता कितना होगा, तो लेट मान लेते फाइनल टेम्परेचर, बोल बेटा कितना? फाइनल टेम्परेचर ए की बात हो रही है, टी एफ की बात हो रही है, बोल कितना माने? टी मान लेते, क्या मान लेते? हमें नहीं पता भाई, मैं इतना बताएं 40 से कम तो हो रहा है पर फाइनल कहाँ होगा हमें नहीं पता, किस बॉडी की बात हो रही है अभी उसकी बात ही नहीं हो रही, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अच्छा ये इनिशियल था, क्या था? इनिशियल, ये इनिशियल ऐसे लिख लो, फिर टी वन लिख लो, क्या मिल लो? टी वन इज इक्वल टू 50, कोई दिक्कत किसी को? इनिशियल वाले को टी वन वाला पहला केस 50 डिग्री सेल्सियस आ गया, क्या फाइनल कितना हो गया है? 3, ये एक केस हो गया, ऊपर देखते ना अभी। बड़ा बताएं जो बी वाला पानी है, पानी में पार्टिकल यहाँ पे भी है, उनका भी तो कुछ मास होगा, तो मास उनका ही मानो, मास कितना मान लिया बोल बेटा? M2 कितना मान लिया? M2 स्पेसिफिकेट उसकी भी तो होगी, कितनी होगी? S2। इनिशियल टेम्परेचर पानी का कितना है? 30, तो इनिशियल टेम्परेचर बिल्कुल सेम, बोल बेटा टी इनिशियल की बात हो रही है, इनिशियल को टी2 ले रहा हूँ, टी1 नहीं ले रहा क्यों? अरे सेम तो है ही नहीं, अगर उसे मैं T1 ले लिया तो सेम हो जाएगा, सेम तो है ही नहीं, T2 मान लो, कितना मान लिया? 30, 30 है ना भाई। बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना? वो तो सेम होगा, वो तो जब तो इक्वल होगा, अरे हाँ है ना भैया, भाई वो लॉस कर रहा है वो गेन कर रहा है, कब तक? जब तक दोनों का इक्वल ना हो जाए, तो फाइनली तो इक्वल ही होना है, नहीं आया तुम्हें? आ गया, बड़ा बताएं फाइनल टेम्परेचर टी हो गया। अब फील लो, बताओ इसने इसको हीट दी तो इसका टेम्परेचर कम हुआ होगा ज्यादा हुआ होगा? राइज हुआ है, फॉल हुआ है? फॉल इन टेम्परेचर, तो पहले ए वाले में क्या हुआ है? फॉल इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा आएगा टी, ए वाले का फॉल हुआ है तो फाइनल कम होगा, इनिशियल कितना? T1 माइनस टी, फाइनल T1 है? नहीं बेटा फाइनल T है, इनिशियल कितना है? T1, तो फाइनल छोटा है, इनिशियल, अरे ए को देखो भाई, शुरू में 50 बाद में कम, तो दिस माइनस दिस। अच्छा बताओ इसमें राइज हुआ है फॉल हुआ है? भाई ये छोड़ेगा वो लेगा, तो इसमें फाइनल ज्यादा होगा, इनिशियल, तो यहां पे क्या होगा? राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी, बी क्या आएगा? बी, बोल बेटा कितना आएगा? टी माइनस T2, इतना आ गया क्या? अब बताओ इसका टेम्परेचर फाइनली कम हुआ है तो हीट इसने लॉस करी है गेन करी है? लॉस, तो हीट एनर्जी इसी की बात हो रही है ए वाले की, हीट एनर्जी लॉस बाय द बॉडी ए, है ना भाई? बट अगर हीट एनर्जी की बात करें तो डेल्टा की होती है, याद है तुम्हें? लॉस करिए चेंज हो रही होगी, तो ए की, किसकी बात करें? ए की। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा बताता हूँ फिर लो। बड़ा याद है आपको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, 1/m डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, बड़ा था यहाँ से डेल्टा क्यू निकालो क्या आएगा? ms डेल्टा टी, ये आएगा। अगर ए बॉडी की बात हो रही है तो मास ए का है ना भाई, s ए का, और क्या आएगा? डेल्टा टी ए का, आ गया ही आ गया। बता ए का मास कितना है? m1। बता ss कितना है? डेल्टा टी ए कितना है? T1 माइनस टी, ये आया क्या? इक्वल डाल के डेल्टा क्यू ए का आया, यानी हीट एनर्जी लॉस बाय ए, इतनी करिए। अब फिर यानी ए ने इतनी हीट लॉस कर दी। अब यहां की बात करते हैं, हीट एनर्जी गेन करी हो किसने? गेन बाय द बॉडी, किसने? बी ने। बता डेल्टा क्यू भी लिखेगा? अरे हाँ ना, बोले भाई कितनी? फॉर्मूला ये रहा, कितना आएगा? m2 s2 डेल्टा टी, और ये बी का आएगा जो था, यानी 2 का है इसका। बोल बेटा कितना है? m2 है, यहाँ बी लिख देना, बी लिख देना, ठीक है, फिर 2 लिखना। s2 बोल बेटा कितना है? टी माइनस में ये क्या आ गया? डेल्टा क्यू बी। कोई पूछे डेल्टा क्यू बी क्या है, क्या बोलोगे? हीट गेन बाय द बॉडी, व्हाट इज द डेल्टा क्यू ए? हीट एनर्जी लॉस बाय द, दोनों इक्वल या अलग? ये तो बताया था इक्वल होंगे, तो यानी अकॉर्डिंग टू द, इसके बाद क्या लिखने वाले हो? यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्या बोलते हैं? डेल्टा क्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बी, आया नहीं आया? ये कितना है? m1 है, s1 है,
टी है, यहाँ पे कितना है 1 माइनस टी इज इक्वल टू क्या आएगा बोला पूरा एम टू है, एस टू है और क्या भाई टी माइनस में आया नहीं आया, यानी हीट लॉस बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द बॉडी, जितनी लॉस उतनी ही गेन, इसलिए इक्वल है, नहीं आया तुम्हें। अब यहां से जो है जो भी वैल्यू दे रखी होंगी अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, आपके सिलेबस में है क्या? हाँ बहरहाल अगर मान लो 3 मार्क्स में आ गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कर देना उसके साथ में, समझ रहे हो? नहीं आया तुम्हें, नहीं आया तुम्हें, पक्का आया नहीं आया? लिखोगे ऐसे, ये दिखाओगे पॉइंट बना के लिखोगे पॉइंट से, ठीक है? उसके बाद ये क्या है, ये पॉइंट ही है, ये भी पॉइंट है, समझ में रहो? कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट डिवाइडेड एक पेज में इधर, बीच में लाइन खींच के इधर, एंड देन दोनों को अकॉर्डिंग टू लिख के इक्वेट कर देना, नहीं आया? बड़ा इसी के साथ में बात करें कैलोरीमेट्री, पता लग गया तुम्हें क्या होती है, ठीक है? बात करें न्यूट्रल ऑफ कूलिंग, तुम्हें पता लग गया क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन पता लग गया तुम्हें क्या होता है, टेम्परेचर तुम्हें पता है क्या होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट तुम्हें पता है क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक तुम्हें पता है क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, सब पता है तुम्हें। तो इसी के साथ में वो शब्द जो सुनने के लिए तुम तड़प रहे हो, तुम्हारे दिलों में आग लगी हुई है, तुम्हारे अंदर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है, अलहमदुल्ला, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सस्तरीकाल, पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सुनो सुनो फलमदिल्ला, सबक खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा, जैसा तुम्हारी सारी रात्रियां अच्छी जानी चाहिए, कछुए के साथ में धन्यवाद, सबक खैर बच्चों।